शहर के डीसी ऑफिस गेट समेत अन्य क्षेत्रों में लाखों रुपए की लागत से लगे वाटर एटीएम बेकार साबित हो रहे हैं। नगर निगम के द्वारा 3 साल पहले लगाए गए वाटर एटीएम महज कुछ ही दिनों में खराब हो गए थे, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी इसे ठीक नहीं कराया गया और इसका लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि इस भारी गर्मी में भी लोग शहर में पानी के लिए परेशान रहते हैं और बोतल बंद पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। इस बाबत लोगों ने बताया कि ये आम आदमी के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। निगम के कर्ता धर्ता ने बिचौलियों के साथ मिलकर घटिया वाटर एटीएम लगवाया और पैसे का बंदरबांट कर लिया। अब इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बताया गया कि कचहरी चौक, नटराज चौक, इंदिरा कॉलोनी, बड़ा चौक, हनुमान मंदिर और टाउन थाना के सामने का वाटर एटीएम शोभा की वस्तु बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने निगम से इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है। एक रुपये वाला वाटर एटीएम कब से बंद पड़ा हुआ? 2 साल से बंद है। कोई देख रेख करने वाला? कोई नहीं है। आप लोग कहाँ जाते हैं पानी पीने के लिए? पानी लाते हैं। अभी गर्मी का मौसम आ गया है, पानी क्या ठिकाने, पानी मिलता कहाँ? घर से पानी लाते तो पीते हैं। तो जगह आड़ दिया है झुटमुट के, उधर पानी मिलेगा, पानी मिलेगा दूसरा दुकानदारी को मार कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अफ्ताब। क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ पर? पानी का एटीएम लगा हुआ, क्या पानी मिलता है यहाँ? पानी कहाँ मिलता है, 2 साल से बंद है। आप लोग कहाँ से पानी लाते हैं? अभी इतना बीच गर्मी आ गया है और एटीएम बंद पड़ा हुआ, क्या मांग करते हैं प्रशासन? पानी मतलब पानी हो पाए यहाँ हो जाता।